वट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसके मैंने कई पॉइंट्स बना रखे हैं तो लेट अस डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन सबसे पहले तो इनके पर्पस क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड है ये मैर करती है कि एक आइटम इलेक्ट्रॉन को कितना ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेटेड गैसेज आइटम को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो कितना इजीली ऐड हो जाता है कितना एनर्जी रिलीज़ होता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा तो हम कहेंगे कि दैट इज़ मोर फ्रेंडली टू एडिशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ये हमेशा मैयर होती है इन द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम के मुकाबले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ कितना खींच सकता है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन रिलेशन टू अ कम्पिटिशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंड इज़ अ प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है उस एटम की आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दिस इज़ द एबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल इन अ बॉन्डेड स्टेट ये उसका पहला डिफरेंस है जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि क्या ये कॉन्सटेंट हैं या नहीं हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलेपी है दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट जिस तरह ग्रेविटी अर्थ की कॉन्स्टेंट होती है आपका हाइट कॉन्स्टेंट होता है ये आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट वेरीज फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो कर सकता है किसी में कम होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि वो पार्टनर किसका है सो so इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिपेंड्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह डिपेंड करती है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 क्यों फ़िक्स करी हुई है बेसिकली दिस वैल्यू इज़ थ्री पॉइंट नाइन एट लेटेस्ट जो है वो थ्री पॉइंट नाइन एट है कि ये वैल्यू फिक्स क्यों करी हुई है दरअसल बात ये है कि ये वैल्यू फिक्स नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक स्केल है इस स्केल के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी एवरेज बिहेवियर के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है तो ये उसके बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन है और इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर बारी फोर होगी दिस ओनली मीन्स दैट कि उसका एवरेज बिहेवियर ये है तो ये आपको ये जानना होगा कि ये कॉन्स्टेंट नहीं होती ये बेसिकली डिपेंड करती है पर हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमारी कैटा के लिए एक स्केल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है और उसके सबसे सबसे ऊपर है फ्लोरीन और सबसे नीचे है सीजियम 0.78 पे ये इस तरह से ये कैटा है इससे आपको पता चल जाता है कि सीजियम जो है दिस इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लोरीन है वो किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाती है तो और एक बात और इसमें आपको बता देते हैं साइड बाय साइड बात चली है तो पॉलिंग स्केल जो है इसका आपने सुना होगा कि पॉलिंग स्केल है एक म्यूलिकन स्केल है इस तरह और भी कई स्केल्स हैं इसके और जो पॉलिंग स्केल है इसकी खासकर जो हमें पता है कि इसकी टेन ही रिलेटिव एरर होती है तो इनफैक्ट जो स्केल्स पे वैल्यूज़ भी असाइंड हैं देम सेल्स आर रिलेटिव एरर्स तो वो एरर्स भी होती हैं उनमें और इनफैक्ट ये एवरेज बिहेवियर होता है तो इसलिए ये इसको बेसिकली माना जाता है कि दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट चलें आगे उसके बाद मेजरेबिलिटी की बात आती है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड ये एक्सपेरिमेंट के जरिए मैयर होती है ट्यूब में डाल के अल्ट्रावायलेट रे के हेल्प से मैयर होती है ये आपको मैंने एक दो लेक्चर पहले बता दिया था सो इलेक्ट्रॉन गेन थेलपी समथिंग दिच दैट इज मेजरेबल बाय एक्सपेरिमेंट जिस तरह आपकी हाइट मेजर हो जाती है लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बारी आती है दिस इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वान्टिटी दिस इज़ अ कैलकुलेटेड कैलकुलेशन का मतलब होता है कि इसका हम किसी फार्मूले में स्क्वेयर रूट वगैरह में कुछ फार्मूले में डेटा एंटर करके ये निकाली जाती है और ये डेटा कहाँ से आता है ये डेटा आता है फ्रॉम ऑलरेडी मेजर्ड क्वांटिटीज़ ये बात देखने वाली बात है जैसे मिलिकन ने क्या किया था मिलिकन का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको मिलिकन ने क्या किया कि आयोनाइजेशन एनथेलपी और इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसने अपने स्केल पे वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यानी कि अगर हम मिलिकन का एग्जाम्पल लें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम और ये दोनों प्रॉपर्टीज़े खुद मैय हैं विद एक्सपेरिमेंट तो इस तरह से ये आपकी स्टोरी चलती है इसके बाद हम बात करते हैं साइन के बेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड है ये आपको पता है ये पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव नेगेटिव कुछ की पॉजिटिव है जैसे नोबल गैसेस की पॉजिटिव है मरकरी की पॉजिटिव है नाइट्रोजन की पॉजिटिव है ये हमने डिस्कस तो किया था और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं दिस इज़ ऑलवेज़ आ पॉजिटिव वैल्यू दैट इज़ लेस दैन फोर तो ये इसमें इस साइन के बेस पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके आगे चलें हम इसके यूनिट्स पे भी डिफरेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी है दिस इज़ एनर्जी एंड चेंज तो इसको जो लिस्टिंग की जाती है वो किलो जूल पर मोल के बेस पर की जाती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्लेन नंबर इट इज़ अ डायमेंशनल क्वान्टिटी विच वेरीज़ फ्राम अप टू फोर विच वेरीज अप टू फोर फ्रॉम सेवन एट सी का है सबसे कम और ये थ्री पॉइंट नाइन एट तक जाता है तो थेरेटिकल इस फोर सो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी इस किलो जूल्स पर मोल में इसके यूनिट्स हैं इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं ये एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार फ्लोरिन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रॉनेगेटिव और क्लोरीन वो है जिसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एथेलपी है आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपटीशन क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैसे होनी तो फ्लोरीन की चाहिए थी क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज़ होती है लेकिन पाया क्लोरीन ज़्यादा गया क्लोरीन वन क्यों क्योंकि फ्लोरीन का आइटम छोटा होता है तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो बेसिकली एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हैं फ्लोरीन इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज़ दी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनथेरेपी और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ यहाँ पे इसका जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आ जाता है सीज़ियम यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका मोस्ट नेगेटिव है और मर्करी का मोस्ट पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनचल ये इस टाइप से आप इसको करेंगे तो आई एल क्लोज इट राइट नाउ थैंक यू